जी बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में। यानी कि वैस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट जहाँ पर हमें जाइलम देखने को मिले, विच हैव कंडक्टिंग वेक्टर सिस्टम और द फूड कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। यानी कि वो प्लांट जहाँ पर जाइलम और फिलोयम बने सबसे पहले, दीज आर नोन एज द वैस्कुलर प्लांट्स और द ट्रैकियोफाइटा। क्लियर? सबसे ज्यादा मिलने वाले हमारे आसपास के ग्रीन प्लांट्स रहते हैं जहां पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ होती है। अभी तक नहीं पढ़ा ना हमने? पढ़ा रूट जैसे पार्ट होते हैं, स्टेम जैसे पार्ट होते हैं, लीफ जैसे पार्ट होते हैं। लेकिन वो जहां पर हमें क्या देखने को मिले बेटा? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ देखने को मिले। दीज आर नोन एज द वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, जब हम यहाँ रूट वाटर सिस्टम वगैरह की बात करें तो यहाँ के जो प्लांट्स रहते हैं वो काफी लंबे जाते हैं, इनकी हाइट बहुत लंबी होती है। ब्रायफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये सब टिश्यू ना होने की वजह से उनकी जो हाइट होती है वो काफी छोटी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो प्लांट है इट इज नियरली 114 मीटर। वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट प्लांट है बेटा, जिसका नाम है सिकोया, सिकोया लगभग 111 मीटर जितना होता है। ठीक है, लगभग इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, जैसे 6,000 साल, कुछ एक जिम्नोस्पर्म्स वगैरह आ जाते हैं। वैस्कुलर जो प्लांट्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट में देखने को मिलते हैं। कुछ एसेसरी स्पोर्स वगैरह भी रहते हैं, एम्ब्रियो स्टेज भी हमें यहाँ देखने। तो क्या रीजन हुआ फिर इनकी डोमिनेंस का? वही है भाई, रूट है। रूट नीचे तक पेनिट्रेट करती है, वाटर और मिनरल्स को इनके हैंडओवर करती है, मैकेनिकल टिश्यू वगैरह इनके पास प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट में, आइस में, अलग अलग हैबिट में ये लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए इनके पास अलग अलग हिस्से होते हैं। तो जो वैस्कुलर प्लांट यानी कि जो ट्रैकियोफाइटा होते हैं उसमें हम दो पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स और इसके अलावा सीड प्लांट। देखो बेटा, जो ब्रायोफाइट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं मॉस प्लांट और जो टेरिडोफाइट होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्न प्लांट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स सीडलेस प्लांट्स रहते हैं, स्पोरोफिटिक इनकी क्या होती है बेटा? प्लांट बॉडी होती है। वैस्कुलर टिश्यू बन गया, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट वैस्कुलर जो प्लांट्स थे वो कौन थे बेटा? टेरिडोफाइट्स थे। मियोस्पोर्स वगैरह यानी कि मियोसिस के थ्रू इनके अंदर स्पोर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? जो स्पोर्स रहते हैं या तो वो सेम होते हैं, जैसे टेरिस एडियंटम वगैरह की जब हम बात करें, एडियंटम वॉकिंग फर्न है ना, लीफ का अगर एक हिस्सा भी टिक गया नीचे तो वहां से दूसरा एडियंटम ग्रो कर जाता है, पढ़ा था ना 10th क्लास में। स्पर्म्स जो इनके रहते हैं वो बाई या मल्टी फ्लैजिलेट, एक या दो से ज्यादा फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग होते हैं। कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में होते हैं। एजोला, सेल्विनिया, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें मेन कौन कौन है? स्लेजिनेला, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, एक्विसेटम और सेल्विनिया। सबसे पहले जब हम करेंगे तो इनके एक डायग्राम देखते, देखो लाइकोपोडियम ऐसा होता है, स्लेजिनेला ऐसा देखने को मिलता है, ये एक्विसेटम होता है, ये एडियंटम होता है। ये क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार डायग्राम पूछ लिया जाता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, हम पता ही नहीं कि है क्या। डायग्राम भी देखा करो, ठीक है, ये देखो, ये टेरिडियम इस टाइप का होता है। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? एज फूड, सोइल की बाइंडिंग करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब होता है यूटेंसिल्स वगैरह को साफ करने में भी काम आते हैं। एजोला, एजोला एनाबिना के बारे में बहुत पढ़ते हैं हम। एजोला और एनाबिना जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, दोनों मिलके है ना नाइट्रोजन की फिक्सेशन करती है। क्लियर? एक फर्न होती है जो कि किसके साथ रहती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है एनाबिना। धान के जो खेत होते हैं वहां पर देखने को मिलता है ये एसोसिएशन, जो कि एज बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। एंटी थैलेमेंटिक ड्रग ड्रायोप्टेरिस से मिलते हैं एज ऑर्नामेंटल, ऑब्वियस ही बात है, छोटे छोटे जो मिलेंगे उनको लोग अपने घरों में पॉट वगैरह में रख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें इनकी चार क्लासेस देखने को मिलती है, जिनमें की जो सिलोपसीडा रहते हैं बेटा, वो सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स थे, रूट्स नहीं थी, रूट्स की जगह होते हैं राइजोइड्स, ठीक है। आज भी कुछ एक लिविंग फॉर्म्स है जिनका नाम है सिलोटम और टेम्पसेरिस, क्लियर। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया जो लीफ लाइक, ये इस प्लांट का नाम है बेटा स्लेजिनेला। क्या नाम है? स्लेजिनेला। अगर हम इसकी बात करें, जैसे ही पानी इनको मिलता है ये कैसे रह जाते हैं, ग्रीन लीफ जो इनकी रहती है वो काफी सिंपल होती है, ठीक है। और जो लीफ रहती है वो देखो, एक एक लीफ हमें आराम से दिखाई दे रही है, इसकी दिखाई दे रही है ना। जब इनकी रिप्रोडक्शन की बात आती है, या पहले बात करते रूट्स की, इनकी रूट्स की तरफ ध्यान से देखना, दीज आर एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस एडवांस टाइप वाली। डायरेक्ट कहाँ से ग्रो कर रही है बेटा? स्टेम से ग्रो करने के लग रही है, कर रही है ना, वेरी गुड, ठीक है। वेजिटेटिव इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर वगैरह देखने को मिलते हैं, स्पोर्स बनते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर्स, दो टाइप के स्पोर्स मिलते हैं हमें। तो देखो जो स्लेजिनेला है ना, ये कुछ करेक्टर ऐसे शो करता है कि शायद ये सीड की फॉर्मेशन करते हैं, सीड हैबिट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो टाइप के गैमिट बनते हैं। जो ये स्लेजिनेला है बेटे, ये दो टाइप के गैमिट बनाता है, मेल भी और इसके अलावा फीमेल भी, ठीक है। और जब वो गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर ये कंप्लीट बॉडी के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला जो हम एग्जांपल लेते हैं उसका नाम है एक्विसेटम। एक्विसेटम में स्टेम, लीफ और रूट तीनों चीजें देखने को मिलती है, कुछ सेंटीमीटर से लेके कई मीटर जितने ये लोग लंबे होते, ठीक है, समझे इस चीज को। एडवांटेजियस रूट्स भी यहाँ पर होती है, जाइलम में होती है, जाइलम वेसल, ध्यान से सुनना, एक्विसेटम में कौन सा पार्ट होता है? जाइलम वेसल, ठीक है बेटा। ये रहा एक्विसेटम का डायग्राम, फर्न प्लांट हम जिसको बोलते हैं। देखो रूट्स भी दिख रही होंगी, है ना, ट्यूबर, ये रही ट्यूबर जो कि इनको क्या करती है, स्टोर वगैरह करती है। कि जो इनकी जो लीव्स रहती है ना बेटा, वो काफी बड़े बड़े साइज की होती है, ठीक है। क्या? कि जो इनकी लीफ होती है वो काफी बड़े साइज की होती है, एंड देयर लीव्स आर नोन एज फ्रंड, FRONDS, फ्रंट्स के नाम से जानते हैं, फरकेट, ठीक है। जैसे कि पीपल के पत्ते में देखिए, वो वेन्स और वेनलेट्स है ना, कट पीट रहे हुए रहते हैं, इस तरह देखने को मिलती है, क्लियर, समझ में आया ये कैसा होता है। चलो एक्विसेटम के बाद में जो हम नेक्स्ट आपको जो ये लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मैं फोन को टर्न करती हूँ, ये ड्रायोप्टेरिस फर। एडियंटम एक प्लांट होता है ना, टेरिडोफाइटा में ही आता है, और ड्रायोप्टेरिस ये सबसे कॉमन फर्न होती है। क्या क्या नाम लिया मैंने? एडियंटम और इसके अलावा ड्रायोप्टेरिस, मोइस्ट प्लेस में देखने को मिलते हैं बेटा। जो एडियंटम होती है ना, वो होती है पर एनियल, पर एनियल मतलब पूरी साल ग्रो करती है, स्टेम भी है, रूट भी है, लीफ भी देखने को मिलती है। इनकी जो लीफ होती है, दीज आर नोन एज द फ्रंट्स, ठीक है। कि जब इनकी जो यंग लीव्स रहती है ना, क्या जो इनकी यंग लीव्स होती है उनपे स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, विच आर नोन एज द पीले। क्या नाम देते हैं उनको? हम पीले के नाम से जानते हैं।
क्लियर। और जो एडियंटम होती है दिस इज ऑल्सो नोन एज द वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न हमने उसको किस लिए बोला, क्योंकि जब उसका लीफ का पार्ट कहीं टिक जाता है, मिट्टी वगैरह मिली, तो वहां से एक नया जो एडियंटम होता है बेटा वो ग्रो कर जाता है। क्लियर। ये जो नेक्स्ट टेरिडोफाइट का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये दिस इज नोन एज द सेल्विनिया। एक एक्वेटिक फर्न प्लांट होता है विच इज कॉल्ड एज द शोरो ऑफ द कश्मीर। फ्लोटिंग स्टेम होती है, हेयरी लीफ होती हैं, रूट्स जो इनकी होती है दे एक्ट एज बैलेंसर्स। किसका काम करती है, इनको बैलेंस देने का काम। ठीक है, इन टेरिडोफाइट के बाद में अब हम बात करेंगे सीड प्लांट्स विच आर नोन एज द स्पर्मेटोफाइटा। वेस्कुलर प्लांट्स, हेट्रोस्पोर्स यानी कि माइक्रो मियो मेगास्पोर, जहां पर हमें देखने को मिले। फर्टिलाइजेशन होता है, याद है 10th क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन किया था कि पोलन ट्यूब बनती है ना, उसके थ्रू मेल क्या करता है, एंटर करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि खास चीज। सीड प्लांट्स विच आर नोन एज द स्पर्मेटोफाइटा। और इन्हीं स्पर्मेटोफाइटा में हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स नेक्ड सीड्स, सीड्स होते हैं डायरेक्ट अटैच होते हैं प्लांट बॉडी पे, है ना, जहां पर हमें कोई भी फ्रूट देखने को नहीं मिलता, फ्लोवरलेस, जहां ना कोई फ्लोवर होता ना फ्रूट होता, सीड्स जहां पर नेक्ड सीड, नेक्ड सीड का मतलब समझे ना, दीज आर नोन एज द जिम्नोस्पर्म्स। यानी कि बेटा जो सीड्स रहते हैं दे डायरेक्टली अटैच विद द प्लांट बॉडी। आज के टाइम पे जिम्नोस्पर्म्स की 900 लिविंग स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर, और जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ऑल आर पर एनियल। कुछ उसमें से बड़े साइज के होते हैं, सिकोया लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है बेटा, ठीक है, जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म और जो सबसे छोटा, इनका नाम तो याद होना चाहिए, सिकोया टॉलेस्ट होता है जिसकी हाइट होती है लगभग 111.6 मीटर, और जो जैमनिया है वो होता है सिर्फ 26 सेंटीमीटर। क्यों, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्पोर्स अलग अलग बनते हैं, माइक्रो और मेगा, यानी कि मेल और फीमेल के स्पोर्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं कोन, समझे, जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बनाते हैं कोन, पोलन कोन और सीड। सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते, नेक्ड होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्केगोनिया होती है, पोलिनेशन सीधी स्टिग्मा पे, ठीक है, डायरेक्ट एज स्टिग्मा इज अब्सेंट, पोलिनेशन सीधी होगी, क्यों, बेचारे के पास स्टिग्मा ही नहीं होती, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो डायरेक्ट माइक्रोपाइल एंड पे पहुंचते हैं। माइक्रोपाइल याद है ना, ओव्यूल का डायग्राम देख लेना अगर भूल गए हो तो, 10th क्लास में करवाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। इनको बेटा एक्सटर्नल वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स को पड़ती है सिर्फ। जो सीड होता है याद है, डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म बना था जो कि सीड की डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देता है, इनके पास भी होता है। तो टेरिडोफाइट्स की तरह इनके पास भी वेसल्स नहीं होती, ये चीज याद रखना, फिलोयम में कंपेनियन सेल्स और साइड ट्यूब नहीं होती। क्या पढ़ा हमने, जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स नहीं होती, कुछ एक में मिलती है एक्सेप्शन, और फिलोयम के पास कंपेनियन सेल्स और साइड सेल्स नहीं होती। तो बेटा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको चार ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, साइकोप्सिडा, क्या क्या नाम है, साइकोप्सिडा, जिंकोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और जेंटोप्सिडा, ठीक है, जिनकी डिटेल अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो।